गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अज असी पढ़न जा रहे हाँ पाठ पंज हेलन कैलर। अमरीका दे अलाबामा प्रांत विच 27 जून 1880 नूं एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया जो बहुत सेहतमंद भी सी। उसके माता पिता ने उसका नाम हेलन रखा। एक साल तक सब कुछ ठीक सी पर अचानक एकदम हेलन नूं तेज़ बुखार होया ते उसका सिर दर्द नाल फट रहा सी। डॉक्टर ने उस दे रोग का इलाज करन लई रोग की है बीमारी इलाज की है उसका उपचार करना करन लई पूरी वाह ला दित्ती। कुछ दिन बाद हेलन ठीक तो हो गई पर हुण ना कुछ वेख सकती सी ते ना कुछ सुन सकती सी। डॉक्टर ने बेटा उसका बहुत इलाज किया पर हेलन जिहड़ी है सुनन ते वेखण तो असमर्थ हो गई। कोई 1.5 साल की उम्र विच ही हेलन सुनन अते वेखण तो असमर्थ हो गई सी। ओह अपने आस पास दीआं वस्तुआं नूं ना तो महसूस कर सकती सी ते ना ही वेख सकती सी। इसलिए ओह इधर उधर डिगदी रहिंदी ते कदे कदे उस नूं सट भी लग जांदी सी। ओह बहुत निक्की सी इसलिए यह दसन विच भी असमर्थ सी कि ओह की महसूस करती है। इसलिए ओह चिड़चिड़ी की हुंदा बेटे खिजी रहन वाली होई जा रही सी। ओह अपने नेड़े आउण वाले व्यक्तियों नूं परे तक दिंदी। निक्की जिही बच्ची लई जिहड़ा जीवन है बेटे ओह उलझ के रह गया सी। नैक्सट पेज है बेटा पेज नंबर 34। हेलन दे इस बदलदे सुभा अते उस दे विगड़दे हालातां नूं वेख के उस दे माता पिता चिंतत रहन लगे। इस लई ओह बोस्टन दे नेत्रहीन की है अन्ने व्यक्ति जिहड़े जिन्हां नूं दिखदा नहीं है बच्चों लई बने विद्यालय दे डायरैक्टर नूं मिली। उसने उन्हां नूं अपने ही स्कूल तो विद्या प्राप्त कर चुके एक विद्यार्थी का पता दिंदे हुए कहा कि तुसी एनी सुलेमान नूं जरूर मिलो शायद वह तुहाडी समस्या का हल कढ सकेगी क्योंकि एनी खुद एक नेत्रहीन विद्यार्थन सी पर एक ऑपरेशन तो बाद उसकी रोशनी वापस आ गई है। वह अजिहे बच्चों की मनोस्थिति नूं भली भांत जान सकती है। एनी ने 3 मार्च 1887 नूं हेलन नूं ट्रेनिंग देनी शुरू कर दित्ती। ओह अपनियां आस पास दीआं चीज़ां नाल राबता की हुंदा संपर्क करन विच कामयाब हो रही सी। उसने हेलन नूं वस्तुआं नूं महसूस करके समझण दी सिखलाई दित्ती। उस नूं सिखाया गया कि अपने आस पास दे लोकां नाल किस तरह का व्यवहार की हुंदा बेटे अपना जिहड़ा साडा वर्ताओ है किस तरह करना है। हेलन हौली हौली आत्म निर्भर हो रही सी। उसके सुभाव विच भी बहुत तब्दीली की हुंदा बदलाव आया सी। हुण ओह खुश भी रहन लगी सी। एनी ने उस दी शख्सियत नूं इस तरह निखारिया कि अज भी सारी दुनिया विच उस दी प्रशंसा हुंदी है। प्रशंसा मीनस तारीफ। ये सिर्फ इसलिए संभव हो सकया क्योंकि उसकी अध्यापक ने हेलन ते विश्वास रखिया कि वह जो भी सिखाएगी वह जरूर सीखेगी। हेलन की अपनी सीखण अते जानण की चाहत भी एक वड्डा कारण सी। हेलन अजिही खास विद्यार्थन सी जिसनों पढ़ाने लई खास किस्म की रुचि की जरूरत सी ते वह रुचि उसकी अध्यापका विच कुट के एनी दे विच भरी हुई सी। हेलन ने कैम्ब्रिज तो ग्रैजुएट ऑनर्स की ते द लेडीज़ ऑफ जर्नल मैगजीन लई कई आर्टिकल भी लिखे। कुछ सालों उपरंत यह सारे आर्टिकल इस पुस्तक दे रूप विच छपे। किताब का नाम सी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 1908 विच उसने एक होर पुस्तक लिखी। इस बहादुर कुड़ी ने इत्थे ही बस नहीं किया वो अमरीकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड का हिस्सा बनी। उसने संस्था लई देश भर विच घूम के लैक्चर दिते ते पैसा इकट्ठा किया। संसार जंग दे वक्त उसने जख्मी सिपाहियां दी मदद कीती। उसनू आत्मविश्वास कायम रखण दी प्रेरणा दित्ती। हेलन ने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा लोगों विच जागृति लियाउण विच बतीत किया खास तौर पर उन्हां लोकां लई
जिन्हां विच कुदरती जां किसे बीमारी दे कारण कोई कमी ना रह गई है। उस दा कहना सी कि तुसी आम व्यक्ति वांग सब कुछ कर सकते हो, पर तुहाडा कम करन दा ढंग बहुत वक्खरा होवेगा। नैक्सट की है, हिम्मत अगे जिहड़ी हर कमजोरी है बेटे हार जांदी है, ते जिहड़ा साडा आत्मविश्वास है ते साडी मेहनत है उस दे नाल सारा सुपना पूरा किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।